Hello everyone, students. Today I have brought for you a question of filling in the blanks with a set of three words asked in bank PO examinations. इस तरह के क्वेश्चन में आपको पैसेजेस दिए जाएंगे. हर पैसेज में थ्री ब्लैंक स्पेसेस होंगे और उनके अगेंस्ट सिक्स वर्ड्स दिए होंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. आउट ऑफ दीज सिक्स वर्ड्स यू हैव टू सेलेक्ट थ्री एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स सो दैट वी मे हैव अ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट पैसेज. आइए सेलेक्ट करने के तरीके को पकड़ें. पैसेज नंबर वन इज The term secularism, no discrimination against any religion, सब सारे धर्मों को मान्यता देना, सम्मान देना, कोई भेदभाव नहीं रखना, धर्म निरपेक्षता. The term secularism has meaning only if it assures the expression of any form of difference. This, अब यहां देखिए गौर से, word difference आ रहा है. इसका मतलब उसको पॉइंट कर रहा है, तो यहां एक डिफरेंस शोइंग वर्ड होना चाहिए. तो ये सिक्स में से देखें कौन सा ऐसा वर्ड है जो डिफरेंस शो करता है. तो नंबर वन है सबस्यूम्ड, इसका अर्थ होता है इंक्लूड और एब्जॉर्ब. सोशलिज्म, इसका अर्थ होता है अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थियोरी रिलेटिंग टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन गिविंग देम इक्वल राइट्स इक्वल बेनिफिट्स. समाजवाद. थ्री आपका इनविगोरेटिंग गिविंग एनर्जी और स्ट्रेंथ. नंबर फोर डाइवर्सिटी डिफरेंस, यानी आपका पहला वर्ड नंबर फोर आ रहा है दिस डाइवर्सिटी, यानी पहला वर्ड आपका हो गया फोर. दिस डाइवर्सिटी बोथ रिलीजियस एंड रीजनल शुड नॉट गेट मिक्स नहीं होना चाहिए, इंक्लूड नहीं होना चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, सबको अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. तो आइए मिलाने का, मिक्स करने का, इंक्लूड करने का जो सेंस रखने वाला वर्ड है उसे देखते हैं. तो नंबर वन आपको मिला था, यानी राइट वर्ड फॉर द सेकंड ब्लैंक स्पेस इज नंबर वन. अब आइए थर्ड वर्ड को पकड़ते हैं. आप दोनों को देख लें तो फोर एंड वन आपको मिल रहा है नंबर बी में, फोर वन और कहीं नहीं आ रहा, तो आंसर आपका क्लियर हो गया. एनीवे थर्ड को भी पकड़ लें. शुड नॉट गेट दिस डाइवर्सिटी बोथ रिलीजियस एंड रीजनल शुड नॉट गेट सब्स्यूम्ड अंडर द लाउडर वॉयस ऑफ मेजोरिटी द कमीशन सेड. एट द सेम टाइम इट सेड Discriminatory practices within a religion should not hide behind the cloak of that faith to gain माने कानूनी अधिकार, कानूनी वैधता, इस तरह का सेंस होना चाहिए. तो इस तरह का वर्ड आपके पास नंबर फाइव में है, legitimacy. तो तीसरा वर्ड आपका हो गया स्टूडेंट्स नंबर फाइव. तो 4, 1, 5 का सेट जो है वो आपके पास नंबर बी ऑप्शन में जा रहा है. सो योर राइट आंसर इज नंबर बी. ये तीनों वर्ड्स ब्लैंक स्पेस को भर दें तो हमारा पैसेज ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट हो जाता है. ऑल अदर्स आर इररिलेवेंट वंस, क्योंकि आपका सोशलिज्म समाजवाद ऐसा कोई कंटेक्स्ट यहां नहीं आ रहा है. इनविगोरेटिंग गिविंग अ स्ट्रेंथ और एनर्जी, नो सच कंटेक्स्ट इज बीइंग गॉट हियर. नंबर सिक्स एस्ट्यूटनेस क्लेवरनेस सैगेसिटी बुद्धिमानी चतुराई, इस तरह का कोई मीनिंग नहीं है. सो आपका आपके वर्ड्स 2, 3 and 6 आर इरेलीवेंट हियर, सो दे शुड बी एलिमिनेटेड. राइट ऑप्शन इज नंबर बी, वर्ड नंबर्स 4, 1 and 5. बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव ए वेरी गुड वर्ड पावर. नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पैसेज. द डी जी
सी ए द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज मेड पब्लिक इट्स इंक्वायरी, किस चीज में, क्या इंक्वायरी का रिपोर्ट इनटू एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग ए प्लेन ब्लैंक स्पेस कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी फ्रॉम दिल्ली टू कर्नाटका इन अप्रैल, यानी यहां ले जाने वाला ट्रांसपोर्ट करने वाला एक वर्ड होना चाहिए जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को दिल्ली से कर्नाटका ले गया। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं जो सिक्स वर्ड्स के ऑप्शंस आपके हैं। तो नंबर वन ग्रेमलिन, ये एक इमेजिनरी स्प्राइट है रिगार्डेड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन ये काल्पनिक होता है, किसी भी मशीन में इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम हो, फॉल्ट हो, मैकेनिकल प्रॉब्लम हो, फॉल्ट, तो उसके लिए ग्रेमलिन को माना जाता है। तो खैर कहीं इमेजिनरी सेंस है नहीं, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का सेंस है, तो ग्रेमलिन से ट्रांसपोर्टेशन भी क्लियर नहीं हो रहा है। नंबर टू फेरिंग, यस ट्रांसपोर्टिंग, टेकिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी फ्रॉम दिल्ली टू कर्नाटका इन अप्रैल, यानी ये वर्ड आपका बिल्कुल फिट आ रहा है। एडवोकेसी, किसी बात का समर्थन करना, सपोर्ट करना लीगली, उसके फेवर में बोलना, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ यहां भी नहीं आ रहा है। ग्लिच, एक टेक्निकल और मैकेनिकल फॉल्ट जो कि रियल होता है, नॉट इमेजिनरी, यानी ये भी वर्ड यहां नहीं आ रहा है। बार्जिंग का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये फोर्सफुली और रफली किसी को घसीट के बाहर निकालना या ले जाना कहीं, सो दिस इज नॉट मैजिंग, बाई प्रेसिडेंट को ले जाना, बाई प्लेन ले जाना, तो फेरिंग इज द राइट वर्ड। प्रोब, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, यानी यहां ट्रांसपोर्टेशन दिखाने वाले दो शब्द टू और फाइव में टू आपका ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली रेलिवेंट जा रहा है। अब देखिए टू आपका ए में भी है, टू आपका डी में भी है, यानी आपका आंसर ए और डी में से, सॉरी सी में भी है, यानी तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हमें दूसरे को भी देखना पड़ेगा। द डी जी सी ए हैज मेड पब्लिक इट्स इंक्वायरी रिपोर्ट इन टू एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग ए प्लेन फेरिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी फ्रॉम दिल्ली टू कर्नाटका इन अप्रैल। द हैज रिवील्ड, यानी इस इंक्वायरी रिपोर्ट ने, इंक्वायरी रिपोर्ट था क्या, तो प्रोब करना, इन्वेस्टिगेट करना, आई इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ वर्ड ढूंढते हैं, हो सकता है इन्वेस्टिगेशन ही मिल जाए। तो नंबर वन ग्रेमलिन, नंबर टू फेरिंग, थ्री एडवोकेसी, फोर ग्लिच, फाइव बार्जिंग, सिक्स प्रोब, यस इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मिला फेरिंग यानी नंबर टू, दूसरा वर्ड आपको मिल गया नंबर सिक्स। अब देख लीजिए आंसर ऑप्शंस में, तो टू और सिक्स आपके पास, देखिए एक टू यहां था तो यहां सिक्स है नहीं, एक टू यहां है तो यहां भी सिक्स नहीं है, एक टू यहां है और यहां सिक्स है, दिस इज द राइट आंसर। आपके दो ऑप्शन से ही काम हो गया स्टूडेंट्स, जितनी जल्दी आप पकड़ेंगे कम से कम शब्दों में ही आपका काम हो सकता है। आइए तीसरा को देख लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। सो द प्रोब हैज रिवील्ड दैट देयर वॉज अ टेक्निकल, अब टेक्निकल यहां फॉल्ट है इन द प्लेन, फॉल्ट से रिलेटेड वर्ड अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। आपके पास नंबर फोर है ग्लिच, तो आइए आपका आंसर क्लियर हो गया नंबर डी, टू सिक्स एंड फोर। द डी जी सी ए हैज मेड पब्लिक इट्स इंक्वायरी रिपोर्ट इन टू एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग ए प्लेन फेरिंग नंबर टू कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी फ्रॉम दिल्ली टू कर्नाटका इन अप्रैल। The probe has revealed that there was a technical glitch, number four, in the plane, and as the response of the two pilots to the situation was delayed, the aircraft tilted sharply on one side and began to fall rapidly. The right answer, students, is number D, 2, 6, and 4. Now let us come to passage number 3. It reads, the government seems to be in denial that this blank space train, this बता रहा है वर्तमान, this
इस समय जो चल रहा है, प्रचलित है। तो आइए ऑप्शंस में से ढूंढते हैं कि प्रेजेंट टाइम के कंटेक्स्ट में कौन सा वर्ड दिया गया है। तो नंबर वन आपका डिसकंसर्टिंग है, इट इज एन एडजेक्टिव, इट मींस काउजिंग समवन टू फील अनसेटल्ड और अनइजी, दिस इज नॉट टू फील इन द फर्स्ट ब्लैंक। नंबर टू पोस्टीरियर, कमिंग आफ्टर इन टाइम और इन ऑर्डर, यानी लेटर, जो समय के बाद आए यानी पीछे आए। नंबर थ्री सुपरसीडिंग, टेकिंग द प्लेस ऑफ समवन और समथिंग इन प्रीवियसली इन ऑथोरिटी और इन यूज, ये भी वर्ड आपका नहीं आ रहा है समय से रिलेटेड। नंबर फोर कंटेम्प्ररी, यस बिलोंगिंग टू और अकरिंग इन द प्रेजेंट, वैसे बिल्कुल सही आपका वर्ड है नंबर फोर, यानी फर्स्ट वर्ड आपका पकड़ में आ गया। बेबिल्डरिंग एंड सप्लेंटिंग को समय से कुछ लेना नहीं है। बेबिल्डरिंग का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, बैफलिंग, एंड सप्लेंटिंग का मतलब बिल्कुल नंबर थ्री की तरह है सुपरसीडिंग। सो सुपरसीडिंग और सप्लेंटिंग सिनोनिमस हैं। तो राइट वर्ड फर्स्ट ब्लैंक स्पेस के लिए आपका आ गया नंबर फोर कंटेम्प्ररी। आइए नंबर फोर देखते हैं तो किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है। तो हमें एक और पकड़ लेना है जल्दी आंसर करने के लिए। सो दिस कंटेम्पररी ट्रेंड ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर इन इंडिया इज पॉलिसी इंड्यूस्ड बाय द ट्रेडिशनली यूज्ड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिसेज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट्स, यानी इसको रिप्लेस करने का सेंस आ रहा है, बाय रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनली तो रिप्लेस करने के लिए आपके पास वर्ड है, एक है सुपरसीडिंग और दूसरा है सप्लेंटिंग, यानी आपका थ्री और सिक्स दोनों आ रहा है, तो हमें तीसरा वर्ड पकड़ना पड़ेगा। ऐसे देखते हैं कि कौन सा वर्ड फोर के साथ मैच कर रहा है। तो आपका फोर के साथ देखिए सिक्स नहीं आ रहा है, फोर के साथ सिक्स आ रहा है, फोर के साथ सिक्स यहां भी मौजूद है, लेकिन एक अंतर है कि आपका फर्स्ट वर्ड जो है कंटेम्पररी वो फोर है, सेकेंड वर्ड आपका सिक्स जा रहा है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। तो आपका फर्स्ट वर्ड फर्स्ट ब्लैंक स्पेस के लिए फिलर है फोर यहां, उसके बाद सिक्स है, यानी राइट ऑप्शन आपका नंबर सी जा रहा है स्टूडेंट्स। तो आइए दूसरा सही वर्ड आपका है सुपरसीडिंग और सप्लेंटिंग में से, क्योंकि आपका थ्री सुपरसीडिंग कट जा रहा है, तो नंबर सिक्स आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। तीसरा वर्ड भी पकड़ लेते हैं हम लोग, सैंपल ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट्स विद द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस ऑफ इनकंसिस्टेंट क्वालिटी, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्वीप सम ब्लैंक स्पेस एविडेंसेस, यानी ऐसे एविडेंसेस को जो आपको अनइजी फील करवा सकते हैं, अनसेटल्ड फील करवा सकते हैं। तीसरा फीलर आपका नंबर वन हो जा रहा है। तो नंबर वन आइए इस तरह का ऑप्शन आपका है फोर सिक्स वन, फोर सिक्स वन, यानी आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। द गवर्नमेंट सीम्स टू बी इन डिनायल दैट दिस कंटेम्पररी ट्रेंड ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर इन इंडिया इज पॉलिसी इंड्यूस्ड बाय सप्लेंटिंग द ट्रेडिशनली यूज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिसेज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट्स विद द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस ऑफ इनकंसिस्टेंट क्वालिटी, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्वीप सम डिसकंसर्टिंग एविडेंसेस अंडर द कार्पेट। नाउ कम टू पैसेज नंबर फोर, इट रीड्स While the Supreme Court has blank space, the detention. अब detention के लिए Supreme Court ने क्या किया है, तो यहाँ एक verb होना चाहिए, एक decision लेने का verb या मना करने का verb कुछ इस तरह का होना चाहिए। आइए number one में देखते हैं disdain, ये तो hate या dislike का sense रखता है। Legitimate ये adjective है, जबकि वहाँ verb चाहिए main verb three, तो one और two आपका यहाँ के लिए eliminated हो गया। Legitimate का मतलब होता है conforming to the rule or law. Interdicted, yes, prohibited, forbidden, यहाँ मना करने का रोक लगाने का सेंस आ रहा है। और कहीं भी आपका yes, suppressed का मतलब होता है forcibly putting something to an end, यानी right word आपका number थ्री जा रहा है interdicted, blank space number वन के लिए। तो answer आपका पहला word हो गया थ्री, interdicted।
आइए थ्री से देखते हैं किस ऑप्शन में आ रहा है। तो ए में है नहीं, बी में है नहीं, सी में है नहीं, डी में आपके पास है, और ई तो आपका नन ऑफ दीज है। आपका राइट आंसर वन वर्ड से ही पकड़ में आ गया, आंसर नंबर डी। आइए दूसरे को देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, वाइल द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरडिक्टेड द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन जेल, देयर हाउस अरेस्ट इज ओनली ए लिमिटेड, एक राहत होगा अगेंस्ट सम लॉस और सम डैमेज। तो ऐसा ही कंसोलेशन के लिए वर्ड आपके पास है, यस नंबर फोर, कंसोलेशन इटसेल्फ। तो आपका दूसरा वर्ड हो गया नंबर फोर, जो कि डी में अवेलेबल है। आइए द लिमिटेड कंसोलेशन, द ट्रूथ इज दैट द एक्यूज्ड विल हैव टू फेस अ नेवर एंडिंग ऑप्रेसिंग, नेवर एंडिंग ऑप्रेसिंग ब्लैंक स्पेस प्रोसेस, यानी जो कानूनन प्रक्रिया होती है लीगल, यानी प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड एक वर्ड होना चाहिए। तो तीसरा वर्ड आपके पास है नंबर फाइव में, प्रोसिक्यूटोरियल। तो तीसरा वर्ड आपका हो गया नंबर फाइव। तो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका हो गया नंबर डी, मार्क कर लें इसको, थ्री फोर एंड फाइव, कितना ईजी है, लेकिन शर्त है कि आपका वर्ड पावर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो आइए पढ़ के देख लेते हैं। वाइल द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरडिक्टेड द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन जेल, देयर हाउस अरेस्ट इज ओनली ए लिमिटेड कंसोलेशन, द ट्रूथ इज दैट द एक्यूज्ड विल हैव टू फेस अ नेवर एंडिंग ऑप्रेसिव प्रोसिक्यूटोरियल प्रोसेस विच वंस इनिशिएटेड कंज्यूम्स लाइफ एंड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ वंस प्राइड एंड डिग्निटी। इस तरह से स्टूडेंट्स चाहे वो ब्लैंक स्पेस भरने के लिए ए सेट ऑफ टू वर्ड्स हो, वन वर्ड हो, ए सेट ऑफ थ्री वर्ड्स हो, बट आपका वर्ड पावर यदि स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर है एंड पूरी तरह से आप उसके कंटेक्स्ट को समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। सो आज इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।